संस्कृत दर्शन चरण में आप सभी का स्वागत है। वेदांत सार का ये अंतिम दूसरा या तीसरा वीडियो है, उसके बाद वेदांत सार समाप्त हो जाएगा। फिर हम पतंजलि योग दर्शन के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आज का जो वीडियो है वो हो सकता है आपको बड़ा सरल लगे, क्योंकि जो निर्विकल्पक समाधि है, दो प्रकार की समाधि जानी थी हमने, सविकल्पक और निर्विकल्पक, उस समाधि के अंगों की ये चर्चा करेगा। अर्थात उस समाधि को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कर किया जाना चाहिए, तो आप उनको सब जानते हैं, लेकिन मैं और अच्छे से व्याख्या करने का प्रयास करूँगा। इसलिए आपसे ये आशा रहती है कि जो भी इसमें अध्ययन करें, थोड़ा पूर्ण अध्ययन करें तो ज़्यादा लाभप्रद होगा। वेदांत सार केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं है, या ये मत मानिए कि आप उसको केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ें, उसको जीवन की दृष्टि से भी अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। और उसी तरह से मैं थोड़ा सा अध्ययन कराने का प्रयास भी करता हूँ, आज भी उसके जो अंग जानेंगे वो इसी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। वेदांत सार है, वेदांत सार में आज जो बात होगी निर्विकल्पक समाधि के अंग, ठीक है ना। निर्विकल्पक समाधि के अंग ही क्यों बोला गया है, वो जब अंतिम बार, जिसमें अंतिम समय में लास्ट वीडियो तक आप समझ जाओगे कि निर्विकल्पक समाधि के अंग ही बताए गए हैं, सविकल्पक समाधि का कोई भी अंग नहीं बताया गया है, ठीक है। तो बहुत अच्छे समझाने का प्रयास करूंगा, आप बस धैर्य बनाए रखें। इसके 8 अंग माने जाते हैं, अर्थात निर्विकल्पक जो समाधि है उसको प्राप्त करने के लिए 8 अंग माने गए हैं। मैं यहां लिखने का प्रयास करता हूं उनको, यम नियम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधया, इस तरह से बोला गया है। समाधया बोला गया है तो मैं उसको समाधि लिख रहा हूं, ठीक, जिससे आपको पता चलती रहे। अब यहां पर आपको एक बात समझ में आ जाएगी, क्या यहां पर जो समाधि भी, यानी कि समाधि के अंग पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां समाधि भी इसी का अंग भी है। निर्विकल्पक जो समाधि है उसके अंग ही तो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये इसके अंग हैं। तो समाधि भी इसी के अंग के रूप में 8वें स्थान पर है, तब समस्या हो जाती है कि यहां कौन सी समाधि है। जब तक आप वीडियो को अंतिम तक तो नहीं देखेंगे, समझ में थोड़ी सी कम आएगी। ठीक है, यम नियम, अब नियम आसन भी जानते हैं, प्राणायाम भी समझ में आता है, प्रत्याहार भी समझ में आ रहा है, धारणा ध्यान ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन यम समझ में बहुत ही मुश्किल से आते हैं। यम के जब सीधे सीधे हिस्से कर दिए जाते हैं तो उसमें लगते हैं कि हाँ ये यम है, लेकिन यम है क्या, इसके बारे में इसमें थोड़ी सी चर्चा की गई है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यम से तात्पर्य उस शब्द को लिया गया है, इसमें पूरे शब्द की व्याख्या की गई, जो बताया गया है उसमें ये बताया गया कि जो पूरा विश्व है एक ब्रह्म है, क्योंकि वेदांत का जो भी वाक्य है, जो भी इसमें समझाया गया है, वो ब्रह्म चैतन्य अर्थात अद्वितीय वस्तु, इसकी ही चर्चा की गई है। तो यम जो है सारे विश्व को ब्रह्म मान करके उन ब्रह्म में, उस ब्रह्म में ही इंद्रियों को लगा देना ही यम के अंतर्गत माना जा रहा है। तो यम की परिभाषा और ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। फिर इसके हिस्से हो जाते हैं,
इसमें है यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। ये बोला गया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अर्थात इन व्यवस्थाओं के द्वारा ये हिस्से हैं, इसमें क्या क्या करना है उसको थोड़ा समझ लेंगे, तब यम पर थोड़ा सा और प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यम को समझना कठिन हो जाता है। हम केवल यम दिमाग में आते ही ये हिस्से आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये हिस्से नहीं है। ये यम को और विस्तृत रूप से ले जाने के लिए, यानी कि यम इंद्रियों का ब्रह्म में लगाना है, ये नियम है इसमें, उस विश्व का जो रूप दिया गया है ब्रह्म का, लेकिन ये इनके द्वारा परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है, तब यम पूर्ण अवस्था में उसमें प्रक्रिया में लागू होता है। कैसे? अहिंसा, व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं वो हिंसक प्रकृति की हैं। अब हिंसा हम केवल एक ही तरह की जानते हैं। हिंसा को अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंसा क्या है और अहिंसा क्या है, तो केवल हम एक ही बात जानते हैं, जिससे दूसरे को कष्ट ना हो वो हिंसा हो जाएगी, अहिंसा हो जाएगी, और जिससे दूसरे को कष्ट हो येन केन प्रकारेण वो अहिंसा के अंतर्गत आएगी। कष्ट ना हो, अहिंसा, किसी को कष्ट हो जाए वो हिंसा, यही परिभाषा दी जाती सभी जगह। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाणी से और कर्म से यदि दूसरे व्यक्ति का, दूसरे जीव का किसी भी प्रकार से दुख ना हो, यानी दूसरे व्यक्ति को या जीव को किसी प्रकार से कष्ट ना हो हमारे द्वारा, तो वो अहिंसा के अंतर्गत आता है। और यदि किसी भी प्रकार से किसी भी जीव को कष्ट हो रहा है वो हिंसा के अंतर्गत आता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि बात इतनी छोटी नहीं है जितना हम मान के चले हैं। हमने जो विचार किया और दूसरे व्यक्ति को हमने वो प्रयोग भी नहीं किया, लेकिन वो हिंसा में आएगा या अहिंसा में आएगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, क्या मन से, यानी कि हमने किसी को मारने की सोची लेकिन उसको हमने बताया नहीं, किसी को चर्चा नहीं की और उसको भूल गए हम, क्या वो हिंसा में आएगा या अहिंसा में आएगा? इसको अदालत तो केस में नहीं ले जाता। तो यहां धर्म की चर्चा कर रहे हैं हम, धर्म के विषय है ये, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपको धैर्य बनाए रखना है, अहिंसा को समझ लेना सबसे पहली बात। हमने किसी को विचार किया किसी भी प्रकार से कष्ट देने का, तो वो घटित हो या ना हो, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले विचार ही किया जाता है, वो ठोस में परिणति हो या ना हो, व्यवहार में परिणति हो या ना हो, हो या ना हो, वो हो चुका तो वो अहिंसा में ही आएगा। लेकिन किसी को कष्ट ना देकर के अपने आप को कष्ट देना क्या हिंसा है या अहिंसा? उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी अहिंसा की बात करते रहे जीवन भर, क्या वो अहिंसक व्यक्ति थे? आध्यात्मिक दृष्टि से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी आध्यात्मिक दृष्टि में कहीं भी खड़े नहीं उतरे हैं। उन्होंने जीवन को आध्यात्म जीवन अपनाया ही नहीं। सभी लोग कुछ भी कहें, महात्मा शब्द लगाएं या कोई और शब्द लगाएं, लेकिन किसी को महात्मा कहने से महात्मा नहीं हो जाते। महात्मा गांधी 1% भी आध्यात्म दृष्टि से महात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात, उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म से संबंधित कोई चर्चा किसी विशेष में नहीं की है। सांप्रदायिक चर्चा बेशक की हो, लेकिन संप्रदाय और धर्म में अंतर होता है। जो वेदांत को पढ़ते हैं वो जानते हैं। उन्होंने एक शब्द अहिंसा शब्द लिया और 100% लोगों को बेवकूफ बनाया एक तरह से, लेकिन अपने आप को उन्होंने कष्ट में डाला। आमरण अनशन एक शब्द लगाया था उन्होंने, आमरण अनशन। आमरण अनशन क्या है? आमरण अनशन स्वयं को मारने की प्रक्रिया। आमरण मरण मृत्यु पर्यंत अनशन भूखे रहना, क्या यह हिंसक हो गया अहिंसक हो गया? हमारे धर्मों में आत्महत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आमरण अनशन आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो आमरण अनशन के द्वारा
यानी कि मैं तलवार उठाऊं तो दूसरे को मौका भी मिल जाएगा कि दूसरा भी तलवार से मेरे तलवार का जवाब दे सके। तो हो सकता है कि वहां हिंसा करने जा रहे हो लेकिन प्रत्युत्तर में हम उसके प्रति हमारे प्रति वो तलवार उठा करके उस हिंसा का जवाब दे दे तो हिंसा होने से वो रुक जाए। लेकिन आमरण अनशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुद को मारा जाता है, दूसरा उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा हिंसक जो कार्य था वो आमरण अनशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, लेकिन नाम दिया गया उसको अहिंसा का। आध्यात्मिक दृष्टि से ये 1% भी हिंसा के अंतर्गत अहिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो अपने आप को कष्ट देना भी हिंसा में आता है, याद रखना है। तो जितनी भी हड़तालें चलती हैं, जितने भी ये आमरण अनशन करते हैं लोग, वो हिंसा में ही आएंगे, अहिंसा में नहीं आएंगे। तो इससे सिद्ध हुआ कि महात्मा गांधी अहिंसक व्यक्ति नहीं थे, ना अहिंसावादी थे। ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टि से हो सकता है, समाज की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से वो रहे हों। सत्य से तात्पर्य क्या है? सत्य यूनिवर्सल नहीं होता, सबसे पहली बात। यानी कि सार्वभौमिक चीजें सत्य अगर बदलता रहे जगह जगह तो वो सत्य की श्रेणी में नहीं आता। सत्य से तात्पर्य यहां जो लिया गया है वो ये लिया गया है, मैंने जो बात कही किसी दूसरे से कहने के लिए, वो जैसा मैंने कहा वो वैसा ही दूसरे को कह दिया जाए। अब इसमें कहने में भी अंतर हो जाता है, किसी से कहने में भाव में अंतर हो जाता है, कहने का भाव कैसा है। किसी से पूछा कैसे हैं आप, तो ये साधारण भाषा हो गई, और कैसे हैं आप, तो पूछा तो वही, लेकिन उसमें कमेंट आ गया, अर्थात उसमें व्यंग आ गया, तो भाव बदल गया। इसी बात को ये मैंने केवल उदाहरण दिया है, ये बात नहीं कही है। यदि मैंने किसी को किसी के द्वारा कहा गया आप जाकर के ऐसा कह दें या ऐसी चर्चा कर लें, तो वो व्यक्ति उस बात को किस भाव में दूसरे व्यक्ति को कहेगा ये उस पर निर्भर करता है, और वही सत्य और असत्य का निर्णय करेगा। जैसा भाव मेरा है किसी दूसरे को बताने का कि इस तरह से ये बात बतानी है उसको, वही भाव यदि उस व्यक्ति का है जो बताने वाला है, तो भाव भी रहे और शब्द भी जो कि तो रहे, तो वह सत्य सत्य के अंतर्गत आता है, अन्यथा की दृष्टि में वह असत्य हो जाता है। अस्तेय क्या है? अस्तेय से तात्पर्य यहां चोरी से संबंधित है। अब चोरी की व्याख्या भी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, तो इसको थोड़ा सा यही छोड़ देते हैं चोरी, क्योंकि इसमें ज्यादा समझाने के लिए भी कुछ खास नहीं है। हम आगे इसमें चर्चा करेंगे और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बारे में इसमें जितनी भी व्यवस्था दी है वो काम ऊर्जा की जो निकलने की जो मार्ग हैं उन पर नियंत्रण करना। अब काम ऊर्जा कहां कहां होकर के निकलती है, या तो केवल उपस्थिति को ही बताया गया है, लेकिन इसकी चर्चा करने लगे जाए, काम ऊर्जा तो शरीर के हर अंग के द्वारा ही व्यवस्था कर दी गई है। इंद्रियां जिस पर कामिक्त हो जाएं और वो इंद्रियों के द्वारा भी ऐसा माना जाता है, इस तरह से काम की जो व्यवस्था दी गई है वो 10 प्रकार की कामाग्नि बताई गई हैं, काम के जो विचार करने की जो क्षमता बताई या विचार बताए गए हैं कि काम की कितनी दशाएं होती हैं, तो उनको रोकना ही ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी चीज का इकट्ठा ना करना। अब यहां इकट्ठा करने से तात्पर्य यह नहीं है, इकट्ठा तो किया जाएगा। कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को जीना चाहता है तो आध्यात्मिक जीवन से संबंधित जो जो सामग्रियां हैं, कोई व्यक्ति ध्यान करना चाहता है, कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर रहा है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, मतलब जो जिस विषय में जाना चाह रहा है। अब यहां तो आध्यात्मिक की चर्चा चल रही है, उस निर्विकल्पक समाधि की आवश्यकता के लिए जो जो सामग्रियां उपयुक्त हैं उनको छोड़ करके अन्य सामग्रियों को एकत्रित करना ही न करना ही अपग्रह है, अपरिग्रह है। अर्थात निर्विकल्पक समाधि के लिए आवश्यक सामग्री को तो आप एकत्रित कर सकते हैं, इससे हट करके जो भी एकत्रित किया जाएगा वो अपरिग्रह के अंतर्गत नहीं आएगा। इस तरह से ये थोड़ा सा विस्तृत हो जाता है, और इसकी अगर व्याख्या की जाए तो और भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। तो आपको इनको याद रखना है, इन्हीं के द्वारा जब सभी चीज से रोक लिया जाए, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह के द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित करके उस ब्रह्म में ही लगाया जाए, तो उसी का नाम यम है। ठीक है,
ये यम के अंग माने जा सकते हैं। नियम, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधानानि, नियम। ठीक है, नियम तो हम जानते हैं, जिसमें विशेष चीजों में बांध दिया जाए वो नियम के अंतर्गत आता है। कैसे, हम जीवन भर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मान लो कहीं यात्रा करनी है, यात्रा करते रहिए, कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन आप किसी एक निश्चित समय पर निश्चित जगह जाना है तो फिर आपको निश्चित ही समय पर घर से निकलना होगा और निश्चित बस को ही पकड़ना होगा। जब सभी चीज में निश्चित चीज आ जाए तो वो एक तरह से नियम के अंतर्गत चला जाता है। यानी कि आपका जो विस्तृत घूमना फिरना था या एक तरह से स्वच्छंद रूप था, वो नियम में बंध जाना ही, मतलब एक निश्चित सीमा में बंध जाना ही नियम के अंतर्गत माना जाता है। शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधानानि नियमः। अर्थात शौच पवित्रता को बोलते हैं, शौच मतलब पवित्रता। अब पवित्रता से तात्पर्य यहां वही अहिंसा वाली बात आ जाती है, बाहर से भी है और अंदर से भी है, यानी पवित्र दोनों तरफ से हो जाना चाहिए। ये बहुत टिपिकल बात है, ये कठिन बात है, कभी आप विचार करेंगे इस विषय में तब समझ में आएगा कि शौच यानी पवित्र बाहर से तो होना बड़ा सरल है, तिलक छापे, माला, जप जाप, ये करना बड़ा सरल है, लेकिन अंदर से भावना का खुशनुमा होना यानी दूसरे के प्रति भावना का सकारात्मक होना बहुत कठिन है। जब वो भावना निर्मल हो जाती है, मन के विचार निर्मल हो जाते हैं प्रत्येक प्राणी के प्रति, उसी का नाम यह शौच दिया गया है। शौच से तात्पर्य आपके जो विचार हैं, आपके जो भाव हैं, आपकी जो क्रिया कल्पना है मस्तिष्क वाली अंतःकरण की, वो दूसरे के प्रति चाहे आपसे कोई संबंध रखता हो या न रखता हो उसके प्रति निर्मल भावना हो जाना ही शौच के अंतर्गत आता है। संतोष क्या है, आपके पास जो कुछ है, मेरे पड़ोसी के पास क्या है इससे कोई तात्पर्य नहीं है, आपके पास जो है। अब मैं यहां समझा रहा हूं तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं इन सभी में पारंगत हूं, समझाना अलग होता है, पारंगत होना अलग होता है, कोशिशें की जा सकती हैं। इसलिए ध्यान जिस चीज का लगना शुरू कर देते हैं हम, इसमें चर्चा जब ध्यान पे आऊंगा तब थोड़ा सा बताऊंगा इसमें, तो संतोष क्या है, हमें जो पास हमारे पास जो है उसमें संतुष्ट होना, जो जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं हम अगर वो ना भी मिले तब भी संतुष्ट होना, ये परीक्षा की दृष्टि से भी हो सकता है, हम जिस पद पर हैं उसमें संतुष्ट रहें, जिसकी कोशिश कर रहे हैं इत्तेफाक से वो ना भी मिले या किसी कारणवश ना भी मिले तो भी हमें संतुष्ट ना ही संतोष कहलाता है। तप से क्या तात्पर्य है, हमने तितिक्षा शब्द को पढ़ा था, यानी कि हानि लाभ, जीवन मरण, गर्मी सर्दी, यश अपयश, इन सभी को समान रूप से सहने की जो क्षमता प्रदान करता है वो तप कहलाता है। कहते ना बड़ा तपस्वी व्यक्ति है, अर्थात उनमें ये सारी सहने की क्षमता आ जाना ही तप कहलाता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय शब्द से तात्पर्य है, अब दो तात्पर्य हैं, एक तो इसके अनुसार तात्पर्य है क्योंकि हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं और वेदांत जो है वेदों से ही संबंधित है, अर्थात उपनिषदों से संबंधित है, तो यहां पर जो बात कर रहे हैं स्वाध्याय की वो तात्पर्य है प्रणव, यानी कि ओम का ही स्वाध्याय करना चाहिए, उस ब्रह्म को ही बार बार याद करना चाहिए, उसका ही अध्ययन करना चाहिए। लेकिन स्वाध्याय का एक और तात्पर्य है स्व अध्याय, यानी अपने बारे में भी विचार करना चाहिए। अब अपने बारे में स्वयं भी तो ब्रह्म ही है, इसलिए स्वाध्याय का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति एकांत में बैठ करके स्वयं का अध्ययन करना शुरू कर देता है तब भी वह ब्रह्म तक पहुंच ही जाता है, चाहे ब्रह्म से शुरू करें या अपने से शुरू करें, चारों तरफ है वही ब्रह्म ही। ठीक है, ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर प्रणिधानानि का तात्पर्य क्या है, ईश्वर के हम जो भी करें, हमारे द्वारा जो भी किया जाए ना किया जाए
या प्राप्त हो जाए ना प्राप्त हो। कभी कभी ऐसा होता है जो नहीं प्राप्त होता उसमें तो ईश्वर का दोष देते हैं कि ईश्वर ने बहुत गलत किया, हमारी किस्मत खराब थी, वो हमको प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन यदि हम किसी क्षेत्र में पारंगत हो जाते हैं, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं कि देखिए रात और दिन मेहनत करी थी मैंने जिसके कारण मैं यहां पर पहुंच गया, आप भी मेरी तरह मेहनत करिए और आगे बढ़िए, तो असफलता को तो ईश्वर के ऊपर डाल दिया, सफलता को अपने ऊपर ले लिया, ये गलत हो गया। लेकिन ईश्वर प्रणी धाना नहीं बोल का शब्द का तात्पर्य है आपने जो भी असफलता प्राप्त की, आपने जो भी सफलता प्राप्त की, वो दोनों ही ईश्वर को समर्पित कर देना ही ईश्वर प्रणिधान प्रणिधानानी के अंतर्गत, यानी ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आता है। सफलता असफलता दोनों को ही समर्पित कर देना ईश्वर के लिए, ये नियम है। ये पांचों नियम कहलाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, चलिए आसन पर देख लेते हैं। आसन क्या है? कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि पद्म स्वस्तिक दीन्यासनानि। कर चरणादि संस्थान विशेष लक्षणानि, देखिए थोड़ा गलत है यहाँ पे, लक्षणानि है ना, पद्म स्वस्थ आदीनि आसनानि। यम कहा में समझ में आ गया, उस भ्रम में ही सारी प्रक्रियाएं इंद्रियों को लगा देना। नियम भी समझ में आ गया, सारे नियमों के द्वारा ही उस इंद्रियों में समर्पित कर देना। लेकिन यदि ये नहीं होगा तो ऊपर का कार्य निरर्थक हो जाएगा। आसन, आसन का सीधा तात्पर्य होता है आप जिसमें सुखपूर्वक आनंद पूर्वक बैठ सकें, बिना हिले बिना डुले। एक इंग्लिश में भी बोला जाता है, जब ध्यान करने बैठ जाते हैं तो ध्यान क्या है, उसमें बोला गया जस्ट सिटिंग डूइंग नथिंग, अर्थात स्थिर बैठ करके बैठ जाना ही और उसमें कुछ न करना ही ध्यान है। तो बैठना बड़ा मुश्किल है, आप बैठेंगे तो पांव आपके 100% थक जाएंगे, 100% आपके पैरों में थकावट हो जाएगी, आपकी कमर दुख जाएगी, मुड़ जाएगी, आपके कंधे बोझिल हो जाएंगे, गर्दन थक जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है, कर चरण आदि संस्थान विशेष लक्षणानि, यानी कि हाथ पैरों के द्वारा विशेष संस्थान विशेष लक्षणों से पद्मासन स्वास्तिक आसन आदि, इसमें दो उदाहरण दिए, बहुत सारे आसन हैं जिसमें कुछ भी आसन के द्वारा बैठ सकते हैं, वो ही मतलब इस तरह के जो आसन हैं आपके पैरों और हाथों से के द्वारा विशेष एक व्यवस्था दी जाती है, जैसे पद्मासन स्वास्तिक आसन आदि। भगवान बुद्ध जो थे वो पद्मासन में ही बैठ करके ध्यान किया करते थे, कुछ लोग सुखासन की भी रूप में उसको बोल देते हैं। साधारण रूप से आलती पालती मार करके बैठ जाना भी आसन के अंतर्गत आता है, वो सुखासन के रूप में आप उसको मान सकते हैं। यदि आपको आसन की सिद्धियां नहीं हुई, सिद्धि से तात्पर्य क्या होता है, आप उसमें पारंगत हो जाना, कभी भी याद रखना सिद्धि शब्द जब लग जाए, सिद्धि से तात्पर्य ये नहीं कि कुछ सिद्ध हो गया, सिद्ध हो तो जाता है लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ अदृश्य शक्ति आ गई, सिद्ध से तात्पर्य आप उस चीज में एक्सपर्ट हो गए, मास्टर हो गए, पारंगत हो गए, वो चीज तुम पर आ गई, इसको बोला जाता है सिद्धि। तो सिद्ध हो जाना, आसन में सिद्ध जब तक नहीं होंगे तब तक आप आराम से बैठ नहीं पाएंगे, आराम से नहीं बैठेंगे तो मस्तिष्क पर के विचारों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो यहां पर आप निर्विकल्पक समाधि की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। प्राणायाम क्या है, ये तो हो गया शरीर से संबंधित, रेचक पूरक, ये मैंने यहां पर जो निशान लगा दिए योजक वाले वो इसीलिए लगा दिए कि आपको सारी बातें समझ आ जाए, हालांकि ये एक हैं, कहीं भी कोई भी योजक चिन्ह लगा हुआ, मैंने अपनी तरफ से इनको
लगाया है, रेचक पूरक कुंभक। कुंभ के लक्षण प्राण निग्रह पाया। प्राणायाम ठीक है। रेचक पूरक कुंभक लक्षणा प्राण निग्रह उपाया प्राणायाम, अर्थात सबसे पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी इनके बाद में, और ये इसका भी एक तरह से इनको आपकी ऊर्जा को आपके इंद्रियों को आपके विचारों को नियमबद्ध तरीके से चलाने के लिए या उसको सही करने के लिए ये नियम दिया। प्राणायाम रेचक पूरक कुंभक, रेचक का मतलब होता है श्वास का बाहर फेंक देना, पूरक का मतलब होता है श्वास का अंदर ले लेना, कुंभक का मतलब होता है अंदर ली हुई श्वास को रोक देना ही कुंभक कहलाता है। तो इन तीनों के द्वारा क्या करना है, प्राण निग्रह प्राण को रोकना, प्राण को रोकने का उपाय ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम से तात्पर्य क्या होता है, व्यायाम और प्राणायाम दो शब्द होते हैं। प्राणायाम में आपकी श्वास का विस्तार होता है, ऑक्सीजन हवा का विस्तार होता है, व्यायाम में आपके शरीर का विस्तार होता है। तो आपका कभी महसूस नहीं किया हो तो आप इस बात को महसूस करना, जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी श्वास तेजी से चलती है, जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनकी गहरी श्वास होती है और पेट से वो श्वास की प्रक्रिया चलती है, हृदय से मतलब सीने से उनकी श्वास नहीं चलती। जिनकी श्वास सीने से चलती है और जल्दी जल्दी चलती है वो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, स्वस्थ व्यक्ति की गहरी होती है और पेट से नाभि से आती है वाला श्वास। तो इसमें रेचक पूरक कुंभक जब प्रक्रिया की जाती है तो पेट को ही इसमें कुंभक मतलब पेट को भर देना घड़े की भांति, इस तरह से जो प्राणायाम वायु को रोकना, धीरे धीरे चीजों को छोड़ना, रेचक रेचन करना, फिर उसको पूरक करना, कुंभक बनाना, फिर वैसे ही ये प्रक्रिया करते रहना ही प्राणायाम कहलाता है। यानी कि प्राण को विस्तार करना, गहरी करना, धीरे धीरे चलाना, तो इससे क्या होगा, आपका जो विचार है मस्तिष्क का वो भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ये भी एक इसके अंतर्गत प्रक्रिया में आता है। ठीक है, प्रत्याहार क्या है, ये इसमें नहीं है, प्रत्याहार की बात करें तो कह रहे इंद्रियाणाम स्व स्व विषेभ्य प्रत्याहरणम प्रत्याहार। ठीक है, इंद्रियाणाम इंद्रियाणाम स्व स्व विषेभ्य प्रत्याहरणम प्रत्याहार, यानी इंद्रियों का। अब यहां तक हमारी बात आ रही है कि धीरे धीरे हमने यहां पर इंद्रियों को भ्रम में लगाने की प्रक्रिया शुरू करी, उसके लिए हमने बहुत सारी इसमें अपने आप को शुद्धिकरण भी किया था, फिर अपने शरीर को स्थिर भी करने के प्रयास किया था, उसके बाद में श्वास के द्वारा भी हमने विचारों को शून्य करने का प्रयास किया। अब कह रहे हैं फिर दोबारा से इंद्रियाणाम स्व स्व विषेभ्य प्रत्याहरणम प्रत्याहार, फिर भी हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो अपने अपने विषय में भागती रहती हैं। प्रत्याहार हम जानते हैं, प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी कि रोकना, उसको इकट्ठा करना। जैसे प्रत्याहार हमने पढ़े हैं, पाणिनि जी के जो प्रत्याहार हैं वो बहुत सारे स्वर व्यंजन होते हैं, उसको दो ही शब्दों में समेट का प्रयास करते हैं, दो ही विषय में, जैसे अच है, अक है, इण है, ये दो अक्षर हैं, इन्हीं के बीच में बहुत सारे अक्षर समाविष्ट कर देते, वही प्रत्याहार संक्षिप्त करना। तो इंद्रियों के अपने अपने जो विषय हैं उनसे रोक देना, आंख का मतलब देखना होता है, लेकिन ज्यादा देखना वो समस्या हो जाएगी, सूंघना होता है लेकिन जितनी आपको आवश्यकता है उतना, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा गंध लेना वो इंद्रिय बाहर चली जाती हैं चीजें। ऐसी कान है, जो भी है, जिह्वा है, ये सब इंद्रिय हैं, उनका अपने विषय में अति कर जाना, जितनी तुमको जरूरत है निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचने के लिए, वहां समझना इस बात को। ये पूर्ण रूप से प्रत्याहार की बात नहीं करे, प्रत्याहार का मतलब संक्षिप्त करना होता है, लेकिन संपूर्ण रूप से समेट लेना नहीं होता,
ऐसे ही प्रत्याहार यदि हम उसमें प्रयोग करें अच ना लगा करके केवल उसको भी हटा दिया जाए तो फिर समझ में कैसा आएगा, इसमें क्या क्या आएगा बीच में। ऐसे ही सारी प्रक्रिया आएंगी इसमें, प्रत्याहार में संक्षिप्त किया जाएगा, इंद्रियों को संकुचित किया जाएगा, रोका जाएगा, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं, उतनी सीमा तक रोका जाएगा जितनी सीमा तक हमको आवश्यकता है। ठीक है, वही कह रहा था, और कुछ नहीं इसमें। धारणा इसमें बोला गया है अद्वितीय वस्तुन्य अंतरिंद्रिय धारणम धारणा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। अद्वितीय वस्तुनि अंतरिंद्रिय धारणम ध्याना। अब तक हमारे यहां समझ में आ गई कि इंद्रियों को संकुचित कर लिया है, अब हमने धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है आगे, तो ये कह रहा है कि धारणा प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। अब अद्वितीय वस्तुनि अंतर इंद्रिय धारणम, अंतः इंद्रिय कौन कौन सी होती है, अंदर की जो इंद्रिय अंतःकरण है, एक तरह से मान के चलिए अंतःकरण में अपने मन में उस अद्वितीय वस्तु को धारण कर लेना ही धारणा कहलाता है। उसकी छवि अब आपके मस्तिष्क में अनवरत बनी रहनी चाहिए, उसी पर ध्यान रहना चाहिए। धारणा सा सीधे तौर पर धारणा बना लेना, हम आम भाषा में बोलते हैं किसी विषय में आपने पहले से धारणा बना ली कि ये तो है ही ऐसा, ये तो वैसा ही है, ये रूढ़िवादिता या धारणा एक जैसी होती है लगभग, किसी के विषय में पूर्व रूप से धारणा बना लेना। ऐसे ही यहां पर अद्वितीय वस्तु के बारे में अतिंद्रिय जो है उनकी धारणा बना लेना, उसके रूप को धारण कर लेना या उसके विषय में ही मनन चिंतन करना ही उसको धारण कर लेना एक तरह से धारणा के अंतर्गत माना जाता है। तो ब्रह्म की चर्चा की जा रही है, ब्रह्म के बारे में ही, अद्वितीय वस्तु यहां पर ब्रह्म ही है, ब्रह्म को ही धारण कर लेना धारणा के अंतर्गत आएगा। ध्यान क्या है, यही है अद्वितीय वस्तु ने अंतर इंद्रिय प्रवाहो ध्यान। अद्वितीय वस्तु इसमें बोला गया समाधि को और लिख लेते हैं, समाधिस्तु उक्तः सविकल्पक एव। अब थोड़ा सा एक बार देख लें, यहां थोड़ी सी ये गलती है, विच्छिन्न विच्छिन्न इसमें भी यही है, यहां पर जो प्रभाव है वो वृत्ति प्रवाहो ध्यानम। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रभावो ध्यानम, मतलब अद्वितीय वस्तु, हमने जो ब्रह्म की चर्चा की थी यहां से, अतिंद्रिय जो धारण यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमने अंतःकरण के बारे में जाना था, उनमें उसकी धारणा को कर लेना मन बुद्धि चित्त अहंकार में, अद्वितीय वस्तु यानी ब्रह्म की, ब्रह्म को धारण कर लेना ही धारणा कहलाता है। जब हमने किस चीज को उसको धारण कर लिया या ब्रह्म को धारण कर लिया अंतःकरण यानी चित्त में, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों मान के चलिए इसमें, क्योंकि ये चारों मानता है वेदांत, तो अंतःकरण को जैसे ही अंतःकरण में धारणा बन गई हमारी उस ब्रह्म की, उसको धारण कर लिया, फिर इसमें अगली पंक्ति में या अगले चरण में जो प्रक्रिया होती है वो कह रहा है अद्वितीय वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिद्य अंतर इंद्रिय वृत्ति प्रभावो ध्यानम, अर्थात उस ब्रह्म में अद्वितीय वस्तु में ही रह रह करके, मान लो आपका विचार फिर चले गए, फिर दोबारा से ध्यान करके फिर उसी में अद्वितीय वस्तु में ही अपने अंतःकरण को लगा देना, रह रह करके वृत्ति प्रभावो यानी कि जो व्यवहार है, जो अंतःकरण का व्यवहार है उसको में ही प्रभावित कर देना, उसमें ही लगातार रहना रह रह करके, वह उसी का नाम ध्यान है। यानी कि ब्रह्म है वो हमने धारणा के द्वारा अपने आप में धारण कर रखा है, अब बार बार उसी में उस विचारों को, मन को, अंतःकरण को, चित्त को, बुद्धि को, जो भी है, रह रह करके उसी में
लगा देना ही ध्यान कहलाता है। ठीक है, और अगली अवस्था जो आती है जब यह ध्यान विच्छिद विज्जित ना रह करके अनवरत रूप से जब चला जाता है वो समाधि कहलाता है, अर्थात निर्विकल्पक समाधि का जो अंग है वो समाधि तो उक्ता सविकल्प का एव, इन्हीं के द्वारा फिर हमको सविकल्पक समाधि मिलती है और सविकल्पक समाधि ही निर्विकल्पक समाधि का एक अंग बन जाता है। तो अब समझ में आ गई होगी समाधि, यानी समाधि सविकल्पक, और इसको जानना है निर्विकल्पक और सविकल्पक क्या है वो हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहां पर निर्विकल्पक समाधि में और ध्यान में थोड़ा सा अंतर है। ध्यान है पानी की धारा, यानी कि पानी की धारा है लेकिन वो बीच बीच में कट कट के गिरती है। समाधि है अनवरत ध्यान की अवस्था, अर्थात जो विचार है जो अंतःकरण है वो एक भ्रम में तेल की धार की भांति ही अनवरत रूप से लगा रहे वो समाधि है। और इसको भी जब परे चले जाए, इसकी भी व्यवस्था ना रहे, त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञान ज्ञे इनकी त्रिपुटी भी जिसमें विलीन हो जाए तब वह निर्विकल्पक समाधि होती है। और इसमें जो चित्त होता है निर्वात में, अर्थात वात विहीन हवा विहीन हवा से रहित स्थान पर जो दिया होता है उसकी लो की भांति आपका चित्त स्थिर हो जाता है, उस ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब वह निर्विकल्प समाधि आपको प्राप्त होती है। इस तरह से मैंने बहुत बड़ा कर दिया, ये आप अगर एक दो बार देखेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी, और आध्यात्म दृष्टि से भी किसी को भी समझाने का प्रयास करेंगे तो बड़े अच्छे समझा पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।